ओके okay, बच्चे आप आप लोगों का जो सेकेंड एनअल एग्जाम है या सप्लीमेंट्री uh, एग्जाम है वो करीब आते जा रहे हैं बल्कि नेक्स्ट वीक एंड से स्टार्ट होने वाले हैं तो uh, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गेस्ट पेपर के तौर पर वो आप लोगों ने चेक कर लेने हैं लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस दफ़ा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ये चेंज भी हो सकते हैं वैल्यूज डिफर कर सकती हैं चेंज कर सकती हैं एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन Uh, उसके बाद है इवेल्यूएट द फॉलोइंग वन माइनस कॉस पी थीटा ओवर वन माइनस कॉस क्यू थीटा ये वन पॉइंट थ्री में से है वैल्यू चेंज हो सकती है वन माइनस कॉस एक्स थीटा वन माइनस कॉस वाई थीटा ये भी हो सकता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है उसको अटम्प करना है थर्ड uh, है आपके पास बच्चों uh, एक सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ है वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो और ये आपको दो एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट डी भी हैं उसके बाद फोर्थ है आपके पास टू पॉइंट सेवन का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट टू पॉइंट सेवन के लास्ट जो फाइव लॉन्ग है वो लाजमी करने हैं लास्ट फाइव लॉन्ग क्वेश्चन ये मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है आप उसमें से देख सकते हैं फिफ्थ है एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल ये आपका थ्री पॉइंट थ्री में से है उसके बाद सिक्सथ है इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल ये डेफिनेट इंटीगरल है ये आप लोगों ने थ्री पॉइंट सिक्स से पहले मिल जाएगा आपको एक एग्जाम्पल है उसके बाद फाइंड एज सच डेट द फॉलोइंग फॉलोइंगर ये फोर पॉइंट वन में उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन टू टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म उसके बाद एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री पॉइंट्स ए बी सी ये गिवन है बाय कंप्यूटिंग एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट आपने एरिया भी निकालना है और ये चेक करना है कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट ठीक हो गया इसके बाद आप लोगों ने uh, शोड एट द लाइन्स ये दो लाइन्स हैं यह टेंजेंट होंगी इस इक्वेशन के उसके बाद शोड एट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम दाई टू एनी टेंजेंट हाइपर बोला इज दिस इज कॉन्स्टेंट फिर आपने अल्फा निकालना है बहुत आसान क्वेश्चन है यह प्रूव करना है यह चार प्रूव है कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज एल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा यह आप सब बच्चों ने लाजमी करने हैं ठीक है उसके बाद इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रियल उसके बाद फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ये 2.9 में से आया हुआ है एंड देन आपके पास आ जाता है फाइंड द डरेटिव ऑफ दिस बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये 2.12 में से बन जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास साइन थीटा थीटा इक्वल्स टू वन जो जिसको बच्चे सैंडविच थ्योरम कहते हैं uh, वो आया हुआ है हालांकि ये सैंडविच थ्योरम नहीं है ये उसकी एप्लीकेशन में आ जाता है नंबर फोर इन अ कल्चर ये थ्री पॉइंट नाइन में से है ठीक है इन अ कल्चर इक्वेशन कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजिज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इफ बैक्टीरिया आर टू हंड्रेड इनिशियली एंड आर डबल इन टू आवर्स फाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट फाइव आवर्स लेटर उसके बाद है आपके पास फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑल्सो ड्रॉ द फिगर ऑफ ऑन द ग्राफ पेपर ठीक है मैक्सिमाइज uh, आपने इसको करना है ये आपका 5.3 में से है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ साइंस बाई मीन ऑफ वैक्टर्स लॉ ऑफ साइंस आपको पता है ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट विद द अर्थ एट द फोकस वेन द कॉमेट इज दिस किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ द लाइन ज्वाइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द एक्सेज ऑफ एक्सेज ऑफ पैराबोला हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ तो ये आप लोगों के पास एक गेस्ट पेपर है जो कि आप लोगों ने अपनी तैयारी के बाद इसको लाजमी अटैम्प्ट करना है एक दफा और तैयारी के बाद अटैम्प्ट करना ये नहीं कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएँ ठीक है तो आप लोगों को पहले तैयारी करिएगा बुक से फिर उसको अटैम्प्ट करने के लिए ट्राई करिएगा और जज करिएगा कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता